भारत में होने वाले हॉकी विश्व कप से पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में है और बेहद अहम 5 टेस्ट मैच यहां पर खेल रही है। पहले 2 टेस्ट खेले जा चुके हैं और अभी 3 मुकाबले होने बाकी हैं। ये सभी मुकाबले एडिलेड में खेले जा रहे हैं और इस वक्त भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह, जिन्हें 2 बार FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी हासिल हुआ है। कैसा लग रहा है हरमन, यहाँ पे एडिलेड में 2 मुकाबले आपके खेले जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिस तरह ये विश्व कप की तैयारियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है ये टूर आपका, तो रिजल्ट्स पे अगर ना जाते हुए जो चीज़ें टीम यहाँ कोशिश कर रही थी उनमें आपको लगता है कि कितना सफल हो पा रहे हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले बिल्कुल जैसे आपने बोला है कि वर्ल्ड कप से पहले ये टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कॉमनवेल्थ के बाद देखा जाए तो हमने प्रो लीग के मैच खेले हैं और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई की थी एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हमने सीखी है वहाँ से एंड वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। बट ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलवेज क्योंकि टफ टीम है और इनके साथ जैसे आपने बोला कि रिजल्ट नहीं हमारे फेवर में आ रहा है, बट गेम को देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने यू नो कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे चांसेस क्रिएट कर रहे हैं हम एंड डिफेंस पे अपना अच्छा वर्क कर रहे हैं कि और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है कि और किन चीज़ों पे हम अपना वर्क कर सकते हैं, जैसे काउंटर कंट्रोल और एंड काउंटर अटैक जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, उसको कैसे हम यू नो ब्लॉक कर सकते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। जिस तरह से टीम ने परफॉर्म किया था ओलंपिक्स में, लंबे समय बाद पोडियम पर फिनिश किया टीम ने और जिस तरह से उसके बाद टीम की वाहवाही भी हुई थी, एक लंबा सफ़र तय किया पिछले 10 साल में जिस तरीके से टीम ने राइज किया है, अब की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर लगता है कि थोड़ा बहुत और काम होने की ज़रूरत है या जिस पर टीम अभी काम कर रही है? बिल्कुल, स्पेशली जो नए रूल्स आए हैं आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक टीम के लिए और स्पेशली जैसे क्योंकि हमने वो फेस किया प्रो लीग में और यहाँ पे भी, एंड जो 3D टैकलिंग है उस पर थोड़ा फोकस हो रहा है क्योंकि बहुत डेंजरस है वो, क्योंकि अगर कोई ओपोनेंट्स 3D यूज़ कर रहा है तो आपको डिफ़िकल्ट रहता है एज ए डिफेंडर, आप कैसे उसको टैकल करना है, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस भी हो रही है एंड आई थिंक ये मैचेस में काफ़ी ऐसे मूवमेंट्स आती हैं कि जहाँ पे हमें मौका मिलता है कि आपको टैकलिंग आप कर सकते हैं उस चीज़ को, एंड ऑफकोर्स जो फिनिशिंग है हमारी क्योंकि इनके साथ भी हमने काफ़ी चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वही एक मोमेंट है कि आप अगर 50-50 बॉल भी है तो आपको कैसे उसको कन्वर्ट करना है एंड यू नो कैसे आप 70-80 तक उसको लेके जा सकते हो, तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड इन चीज़ों पे हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ जैसे आपने भी कहा कभी भी मुकाबले आसान नहीं होते और ये हमने यहाँ पर भी देखा है, और पिछले कुछ अगर मुकाबलों की बात की जाए खासकर नॉकआउट दौर के मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया ने अलग तरह के टैक्टिक्स अपनाता है, शुरुआत से ही डिफेंडर्स पर हावी हो जाते हैं, एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले मैच में भी देखा था कि शायद अगर मैं सही हूँ तो 3rd क्वार्टर में कुछ उस तरीके का उनका रूप नज़र आ रहा था। कुछ खास वजह मानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस तरह के जो रिजल्ट्स भारतीय टीम को नॉकआउट मुकाबलों में देखते हैं, या फिर आप समझते हैं कि कोई मेंटल ब्लॉक है ये? नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि एक आप बोलते हैं स्टेशनरी जो प्रेस जिसकी हम बात करते हैं एंड एक जो मोमेंट में हम प्रेस लगाते हैं तो वो ट्राई करते हैं कभी कभी, जैसे उस स्टेट जोनल में रहते हैं एंड सडनली मैन टू मैन रहते हैं, तो आई थिंक वो हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है जो हम लर्न कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि कब वो जोनल खेल रहे हैं, कब वो मैन टू मैन आ रहे हैं एंड किस साइड से वो ब्लॉक करके आते हैं। तो आई थिंक हमने फर्स्ट मैच में थोड़ा स्ट्रगल किया था उस चीज़ में, बट सेकंड मैच देखा जाए हमने काफ़ी अच्छी बॉल हैंडल की है एंड होल्ड अच्छी की है एंड जो प्रेस के लिए आ भी रहे थे हमने आराम से बॉल निकाली भी हैं, तो वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप आई थिंक हम इम्प्रूव कर रहे हैं सर। और हरमन, अब आगे के जो 3 मुकाबले हैं उनके लिए आपको बेस्ट विशेज, और जिस तरीके से आपका परफॉर्मेंस है बेहद शानदार, लगातार जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं टीम के लिए, हमारी बेस्ट विशेज है और उम्मीद यही करेंगे कि विश्व कप में टीम शानदार प्रदर्शन करे और इस बार विश्व कप में भी आप टीम के साथ पोडियम पर नजर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया तेजो टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।